अस्सलाम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ खेलते होंगे, चीज होंगे, मजे में होंगे। आपका अली भाई और चीज़ का न्यू वीडियो लेके, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अली भाई आप क्यों शो इंट्रो कर रहे हैं, आपकी मम्मा कहाँ हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी मम्मा बीमार हैं देख सकते हैं आप, और मैं भी थोड़ा सा बीमार हूँ। मेरे और मम्मा ने लास्ट टाइम तरबूज खाया था, और मैं आपको बता दूँ कुछ तरबूज ऐसे होते हैं जो ख़राब होते हैं लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि वो असली तरबूज से बिल्कुल सेम टू सेम मैच करते हैं। तो मैं आपको ऐसे तीन तरीके बताऊँगा जिससे आप पता लगा सकते हैं वो ख़राब है या सही है। तो फर्स्ट, तो पहला तरीका, उसका एक पीस निकाले और उसे ना एक खाली गिलास में पानी भरे और उसमें डिबोए, तो सबसे अच्छा तरीका है। अगर उसका कलर, अगर पानी पूरा रेड रेड हो जाए तो आप समझ जाएं वो ख़राब है, और अगर वो नॉर्मल पानी रहे कोई कलर ना है तो समझ में वो तो सही है। नंबर टू तरीका जिससे आप पता कर सकते हैं, आप उसे प्रॉपर पता कर सकते हैं, मतलब वो सही है क्या ख़राब है। नंबर टू तरीका, उसे मतलब वो चारों तरफ से वो ग्रीन ग्रीन होगा पूरी तरफ से, वो ख़राब होता है। जिसकी जो सही होता है उसकी एक तरफ से ना येलो येलो होता है। तो सबसे पहले मैं भी रूम की फुल क्लीनिंग करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। आज का मेन टॉपिक होने वाला है होम क्लीनिंग, तो अभी मैं घर की सफाई करता हूँ और आपको भी दिखाऊँ। गाइस कैसे हैं आप, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस गलती से ना मैंने तरबूज खा लिया था और मुझे पता नहीं था मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो जाएगी कि मैं बिस्तर पे आ जाऊँगी। बस उल्टियाँ इतनी, हालांकि इतनी बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई। और मैं भी अली को उठ के ना रोटी और सालन बना के दूँगी, बाहर का तो मैं उसे कुछ खाने देती ही नहीं। मम्मा मैं बनाऊंगा, आप नहीं काम करिएगा। तो बस मेरी तबीयत ही नहीं है, मैं थोड़ी हिम्मत हो जाए मेरी, मैं फिर उसको खाना देती हूँ अली को। मैं बनाऊंगा, मैं कर लूंगा। और मैं इसको किचन में जाने नहीं दे रही, ये मुझे जिद कर रहा है, कह रहा है कि आप नहीं, बस मैं अभी चाय बनाती हूँ, फिर साथ साथ मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और चिकन का सालन रखा था वो बनाया था मैंने रात में, और मैं उसके बाद मैं जाऊँगा किचन की सफाई करने, उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू रूम की क्लीनिंग बेड साफ ये सब करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो मम्मा को खाना पहन दूँगा। मम्मा आप क्या खाओगी? कुछ नहीं खाऊंगी। तो अभी मैं जाऊँगा मम्मा के लिए बिस्कुट लेने और मैं अकेले चाय बनाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा मम्मा के लिए बिस्कुट लेने और आप। और आज का जो व्लॉग है वो अली बनाएंगे ये बैठे हुए, अब व्लॉग का एंड भी अली करेंगे। और बस मेरी थोड़ी हिम्मत होगी तो मैं रोटी बनाऊंगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग फिर मैं पूरा बनाऊंगी। आज आप अली के साथ रहेगा और अली की पूरी वीडियो वॉच करेगा, अली को देखेगा, अली बहुत अच्छी वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैं मम्मा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँगा और आपको भी फुल मज़ा आएगा, उम्मीद करता हूँ मैं, और मैं ऐसा करूँगा भी। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप अली की पूरी वीडियो वॉच करेगा और अली को भी आप देखेगा वो कैसी वीडियो बनाता है। और मेरी उम्मीद है मेरा बेटा इतने प्यार से पूरी व्लॉग बनाएगा, आप उसकी पूरी वीडियो वॉच करेगा और इंशाल्लाह मैं बेहतर हो जाऊंगी तो फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी। और गाइस आप कमेंट में गुड गुड लिख दीजिएगा तो कि मम्मा को पता चले मैं कितनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। बताइएगा और कौन कौन से बहन भाई अपनी मम्मा की मदद कर रहे हैं जब वो बीमार होते हैं, वह कमेंट में जरूर बताइएगा।
और इसके बाद में जाऊंगा दूसरा कमरा साफ करने और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैं भी बेड की सफाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। और मैंने मम्मा को वाले कमरे में लिटा दिया है और ये भी कैमरा मैंने मेरे भाई ने पकड़ा हुआ है। और जो भी मेरे बहन भाई छोटे बहन भाई देख रहे हैं, और अगर आपकी मम्मा बीमार हो जाए तो उनका साथ दीजिएगा। ये माँ हमारी एक तरह से जन्नत होती है। आखिरी काम बचा है टिश्यू करने के बाद मैं जाऊंगा ऊपर। और यहाँ पे मैं अली के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि अली जो है मेरी तबीयत ख़राब जब भी होती है तो अली है ना पूरे घर में ना काम करते रहते हैं, पूरे घर में काम इनके बाबा भी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे मैंने रात में चिकन बनाई थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं रोटी बना सकूँ, पर कोई बाज़ार से ला के देने वाला नहीं था तो इसलिए मैंने ना घर में रोटी बना रही। मैंने कहा सालन तो घर में रखा है, चलो रोटी बाज़ार से मंगा लेती हूँ, पर इस टाइम गर्मी इतनी थी कोई भी नहीं ला के दे रहा था। मैंने कहा मैं तो ख़ुद तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये ना हो कि अली को भी लू लग जाए। गर्मी इतनी हद से ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा। और मैंने तरबूज खाया था, तरबूज खा के मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, इतनी वोमिटिंग हुई मुझे हद से ज़्यादा। और जैसे अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आप भी आइए, आप भी मेरे साथ खाना खाइए, देखिएगा खाना देखिए। ये मेरे लिए मैंने रोटी पकाई है और ये मेरे लिए मैंने सालन पकाया है, देख सकते हैं आप। तो मैं भी खाना खाऊंगा, बिस्मिल्लाह। यहाँ अली को मैंने खाना दे दिया और मैं ख़ुद तो चिकन खाऊंगी नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा चिकन खाने को। यह है कि कुछ चटपटा सा खाने को दिल चाह रहा था, मगर यह अपने लिए मैं आमलेट बनाऊंगी, चटपटा सा आमलेट बनाऊंगी, थोड़ी तबीयत बेहतर होगी। तो मैंने सोचा कि प्याज टमाटर हरी मिर्च वाला जो आमलेट होता है ना, मैं अपने लिए वो बना लेती हूँ। और अली भी बहुत शौक से खाते हैं और शाम में इस यही चला लेंगे हम लोग, यही इसी से गुजारा कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं कि मैं दूसरा सालन बनाऊँ, सब्ज़ी काटूँ। तो मैंने कहा आमलेट भी रखे, अंडे रखे थे फ्रिज में, कि सोचा आमलेट ही बना लेती हूँ। और अली को भी बहुत पसंद है, और आप ये देखिएगा ये बहुत ईजी है आमलेट। मैंने प्याज हल्की सी भूनी, मैंने उसमें हरी मिर्ची टमाटर और थोड़ी सी मैंने पीसी मिर्च ऐड करी, और इसमें मैंने चार अंडे फेंट के डाले। मैंने बहुत ज़बरदस्त आमलेट बनाया, पर मैं स्लाइस से लूँगी, रोटी नहीं खाऊँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर मैं रोटी खाऊँगी मैं फिर वोमिटिंग शुरू ना हो जाए। और अली जो है वो मुझसे अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं अली। आप मेरी अली की पूरी वीडियो वॉच करेगा और लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो जो मेरी अली की वीडियो वॉच कर रहे हैं, क्योंकि नन्ना मुन्ना से मेरे बेटे का छोटा सा दिल है, ऐसा ना हो कि आप लोग सब्सक्राइब ना करें इसका दिल टूट जाए, नेक्स्ट टाइम ये व्लॉग ना बनाए। और देखें मेरी तबीयत ख़राब में अली ने मेरी बहुत हेल्प करी, मुझे दवाई दी और चाय भी खुद से बना ली। मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर मैंने उठी तो मैंने देखा अली की ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो मैं जल्दी से उठ के रहा। फिर मैंने अली के लिए रोटी और सालन मैंने जल्दी से बनाया, जल्दी से तैयारी शुरू करी। आप मेरी अली को देख रहे हैं, अली ने आज कितनी हेल्प करी, मेरी घर की सफाई कितनी अच्छी तरह करी। और आपको किस तरह से उसने बताया कि तरबूज खाने से पहले उसकी तीन निशानियां होती हैं, पहले अच्छी तरह जान लीजिए। और अभी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारा काम किया था, मैंने ट्यूशन काम कर लिया है, और उसने मेरे टेस्ट भी दिया था, उर्दू का टेस्ट था, मैंने टेस्ट भी कर लिया है। और मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, मैं ट्यूशन के टाइम ही 4:30 है, और मैं भी जाऊँगा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे मिलूंगा। बाय बाय गाइस, मैं टूटू सिंह जा रहा हूँ, मैं आके आपसे मिलूंगा।
अल्लाह हाफिज़ बेटा। अली की ट्यूशन जो है वो बिल्कुल हमारे नेबर में बिल्कुल बराबर में है, और जब तक अली चले नहीं जाते तो मैं खड़ी रहती हूँ उनको और कॉरिडोर से देखती रहती हूँ, और टीचर को कॉल कर देती हूँ कि आप गेट खोल दें, अली आ रहे हैं। इस तरह से अली जो है खैरियत से पहुँच गए। फाइनली मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और मैं भी जाऊँगा मुर्गी के पास, उनको खाना पानी दूँगा और आप भी दिखिएगा। तो भाई जो जो नए व्यूअर्स होंगे, जो जो नए नए हमारे यूट्यूब फैमिली में आए होंगे, ज्वाइन हुए होंगे, तो उनको नहीं पता होगा हमारी पास है एक मुर्गी और उसके तीन तीन बच्चे भी हैं। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं मुर्गी को, तो इनके नाम भी बता देता हूँ। दे अभी मैं आपको बताऊंगा इनके प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से नाम। गाइस सबसे तो कितना प्यारा है, और मैं दिखाऊंगा ये। तो आपने देखा है हमारा जो ये रानी है, इसके आप बच्चे आपने देख लिए हैं। आपने भी देखा, मैंने आपको अभी कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिखाए। और अभी मैं चलूँगा मुर्गों के पास, क्योंकि मुर्गी है, और भी मैं चलूँगा मुर्गों के पास। और भी जो जो नए नए व्यूअर्स आए हैं उनको भी एक और चीज़ दिखानी है, जो कि बहुत प्यारी, मतलब बहुत प्यारी। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, मतलब मेरी जान है, वो जान एक तरह से जान है मेरी, आपको अभी दिखाऊँगा मैं हड़प्पा मुर्गा। और ये बहुत बेहद प्यारा है। और अभी मैंने आपको नीचे एक चूजा दिखाया था जिसका नाम चिंटू था, और इसका भी नाम चिंटू रखा है, देख सकते हैं कितना प्यारा है। फाइनली सारा काम कर दिया और मैं नहा के तैयार भी हो चुका हूँ, और मैंने मामू के दवाई वगैरह सब कुछ दे दी है। और यहाँ पर ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो फिर मैं यहाँ पर वीडियो एंड करता हूँ। आपको पसंद आएगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।